हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। खासकर फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है जितने भी संविदा कर्मचारी हैं इन लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है हम आप सभी संविदा कर्मियों के मानदेय के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे आप PRD हो, चौकीदार, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आशा, आंगनवाड़ी, चाहे आप किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं, तो आप लोगों के लिए जो है आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। और देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ये जो वीडियो है ये यूपी के CM माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुँच जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो आप लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर फ्रेंड्स आप लोगों के मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आज तक जरूर देखिएगा, और फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग इसे दबा के शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव में जो है विपक्षी पार्टी द्वारा खासकर जो है इस टॉपिक पर अनाउंसमेंट किया गया था कि इनकी सरकार सत्ता में आने के बाद जो है जो भी ठेकेदारी प्रथा है इसे पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी, और फ्रेंड्स साथ ही साथ जो है इन लोगों को पेंशन भी देने की बात की गई थी और इनके मानदेय में जो है वृद्धि करने की बात की गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि वहीं BJP पार्टी द्वारा ऐसा जो है किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। इसी वजह से जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में BJP की काफ़ी कम सीटें निकली है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा वजह जो है यही बताया जा रहा है कि संविदा कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया गया है, और साथ ही साथ जो है इनका मानदेय कम है और बेरोजगारी जो है काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं सब वजह से जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में जो है BJP पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी संबंध में जो है लोकसभा 2024 का चुनाव समाप्त होते ही जितने भी संविदा कर्मचारी हैं इनके द्वारा जो है लगातार धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन वगैरह जो है दिया जा रहा है, खासकर जो है अपना मानदेय बढ़ाने के संबंध में। तो फ्रेंड्स, आइए जो है आप लोगों को बता दें कि किस विभाग में किन संविदा कर्मचारियों द्वारा कितने रुपए मानदेय की बात की जा रही है बढ़ाने के लिए, आइए जो है इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा कि ये जो वीडियो है ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास और जो भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं जैसे अखिलेश सिंह यादव वगैरह इन सारे लोगों के पास जो है ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, विधानसभा का चुनाव 2026 या 2027 में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर ये जो वीडियो है ये विपक्षी पार्टी या जो भी गवर्नमेंट है इस टाइम गवर्नमेंट है यूपी में उसके पास जो है ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में इनके द्वारा जो है इस मानदेय लिस्ट पर विचार विमर्श किया जाए। और देखिए फ्रेंड्स, इन सभी संविदा कर्मचारियों द्वारा कितना मानदेय बढ़ाने की बात की जा रही है, आइए जो है आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि PRD द्वारा जो है 21,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने की बात की गई है, और इनके द्वारा जो है इस बात का खुला चैलेंज दिया जा रहा है कि अगर इस बार जो है विधानसभा चुनाव के पहले हम सारे लोगों का जो है अगर 21,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय नहीं किया जाता है तो इस बार जो है यूपी के विधानसभा चुनाव से BJP का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बात का जो है इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन कर खुला चैलेंज दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए चौकीदारों का, तो चौकीदारों द्वारा जो है 25,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय की मांग की गई है राज्य सरकार द्वारा, और जो भी अनुदेशक हैं इनके द्वारा जो है 20,000 रुपये प्रतिमाह की मांग की गई है। अगर वहीं बात किया जाए शिक्षा मित्रों का, तो इनके द्वारा जो है 40,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय की मांग की गई है इस बार के राज्य सरकार द्वारा। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि जब सपा गवर्नमेंट आई थी तो शिक्षा मित्रों का मानदेय जो है लगभग जो है 10,000 रुपये प्रतिमाह था, तो सपा पार्टी द्वारा जो है इसे 40,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इसी संबंध में जो है इनके द्वारा इस बात का खुला चैलेंज राज्य सरकार को दे दिया गया है कि इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जो है हम सारे शिक्षा मित्रों का मानदेय 40,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाए, वरना जो है इस बार के विधानसभा चुनाव से BJP का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। और फ्रेंड्स, वहीं अगर बात किया जाए ग्राम प्रधानों द्वारा, तो इनके द्वारा जो है 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय की मांग की गई है
इस बार के जो है बीजेपी गवर्नमेंट से। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए रोजगार सेवकों का, तो इनके द्वारा जो है 25,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय की मांग की गई है इस बार के बीजेपी गवर्नमेंट से। और फ्रेंड्स, वहीं अगर बात किया जाए पंचायत सहायकों का, तो पंचायत सहायकों द्वारा जो है 21,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय की मांग की गई है इस बार के बीजेपी गवर्नमेंट से। हालांकि फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है इस बात का खुला चैलेंज दिया गया है कि अगर हम लोगों का मानदेय 21,000 रुपए प्रतिमाह नहीं किया जाता है, इस बार के विधानसभा चुनाव में जो है हम लोग जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और इनके द्वारा जो है ये भी चीजें कहा गया है कि अगर हम लोगों का मानदेय 21,000 रुपए प्रतिमाह नहीं किया जाता, तो हम लोग जो है एकजुट होकर इस भर्ती से रिजाइन दे देंगे। इस बात का जो है इनके द्वारा खुला चैलेंज बार के यूपी गवर्नमेंट से कहा गया है। वहीं बात किया जाए शौचालय केयर टेकर का, तो इनके द्वारा जो है 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय की मांग की गई है। और अगर वहीं बात किया जाए जो भी आशा या आंगनवाड़ी है, तो इनके द्वारा जो है ये चीजें बताया गया है कि हम लोगों का जो मानदेय है इसे 10,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाए, वरना जो है हम लोग आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे और साथ ही साथ जो है ज्ञापन वगैरह भी देंगे। यानी कि फ्रेंड्स, अगर इस मानदेय लिस्ट पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर इनके द्वारा विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, तो इस बात को जो है आप लोग श्योर मानकर चलिए कि विपक्षी पार्टी द्वारा जो है इन सभी संविदा कर्मचारियों के इस मानदेय लिस्ट पर विचार विमर्श किया जाएगा और साथ ही साथ जो है इनके मानदेय को भी इतना बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर और साथ ही साथ जो है इनके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर रहेगा और साथ ही साथ जो है बेरोजगारी को लेकर रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। इसी वजह से जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी द्वारा सबसे ज़्यादा अगर फोकस देखा जाए तो इन सभी संविदा कर्मचारियों के परमानेंट करने को लेकर रहा है और साथ ही साथ जो है इनके मानदेय वृद्धि करने को लेकर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब जो है ये कहीं ना कहीं इस बीजेपी गवर्नमेंट को इस मानदेय लिस्ट पर विचार विमर्श करने के लिए जो है विवश कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये मानदेय का लिस्ट पहुंचता है, तो इनके द्वारा जो है जरूर इस बात पर विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, अगर इतना मानदेय भी ना किया जाए, तो कम से कम जो है इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी किया जाए। अब फ्रेंड्स, अगर देखा जाए यूपी के पंचायत सहायकों का मानदेय तो 6,000 रुपये प्रतिमाह है, और अगर वहीं राजस्थान के पंचायत सहायकों का मानदेय देखा जाए तो 21,000 रुपये प्रतिमाह है। तो फ्रेंड्स, अगर यूपी के पंचायत सहायकों का मानदेय 21,000 रुपये प्रतिमाह नहीं किया जाता है, तो कम से कम 15,000 से 18,000 तो किया ही जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को जो है तो फ्रेंड्स इसको लागू करने के लिए जो है इस बार के बीजेपी गवर्नमेंट को विवश होना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें जो है अच्छी तरीके से पता है कि अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में इनके मानदेय में अच्छा खासा बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में जो है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, विपक्षी पार्टी जो है इन सारी चीज़ों पर प्लान बना के तैयार है, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में जो है इनके द्वारा इन सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस बात को हल्के में लिया जाएगा, तो इनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ये जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास और जो भी सपा पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश सिंह यादव के पास जो है ये वीडियो जरूर पहुँच जाए। तो आप सभी संविदा कर्मचारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप लोग जो है इसे शेयर करेंगे, तो हमें विश्वास है कि ये जो वीडियो है ये इन सारे लोगों के पास अवश्य पहुंच जाएगा और आप लोगों के इस मानदेय लिस्ट पर इन्हें जो है विचार विमर्श करने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नेटा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।